बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट से। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देखा था, यहाँ तक देखा था। इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बच्चों हमारे पास है यहाँ पे, सॉल्यूशन में जाते हैं हम। यहाँ लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर में हमारे पास कुछ एच। अभी तक अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, क्योंकि आप एच को ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ज़ीरो बन जाएगा और नीचे भी ज़ीरो बन जाएगा। इसलिए अभी तक ये बच्चों ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करके लिखने के इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, या तो आप इसको इसका साइन चेंज करके इसके सब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, या आप एच को ही इस फॉर्म में बना के लिख लें। तो हम दूसरे मेथड से करते हैं इसको। हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर में जो हमारे पास एच है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिख लेंगे, उस पर डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे और जो यहाँ से हम इसको आगे लेके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस एच के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर, और इस पर डिफरेंस फार्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एच के स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये फैक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हमने ज़ीरो रख दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी तरह इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि अब इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो एच बनेंगे, एच एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज़ बच जाएगी आपके पास, और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एक्स पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर एक्स टू पावर एम माइनस ए टू द पावर एन। इसका 9th पार्ट है हमारे पास जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर
एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम, ये हमारे पास। हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, अभी हम सिर्फ उसको यूज़ करने लगे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। जो ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, यानी इसकी पावर देखें, x की पावर n माइनस ए की पावर n, और x a को अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है और नीचे x माइनस ए मौजूद है, तो ये इक्वल होता है n a की पावर n माइनस ए, n माइनस वन, n a टू द पावर n माइनस वन के इक्वल होता है ये। तो अब देखें यहाँ पे इसको हमने क्या किया, ये पूरी फॉर्म बनाने के लिए x माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ओवर x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a ओवर x माइनस a। लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो इस वाले x माइनस ए को इसके नीचे लिख लेंगे और इस x माइनस ए को नीचे ले आएंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n ओवर x माइनस ए ओवर में x टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m ओवर x माइनस ए। अब जब ये लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई होगी, बस क्या आएगा बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर एक्स माइनस ए ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। तो इसके इस फॉर्मूले के मुताबिक देखिए यहाँ पे जो पावर है वो n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा n a टू दी पावर n माइनस वन और नीचे पावर m है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जहाँ पे n था वहाँ पे m आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा m a टू दी पावर m माइनस वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n ओवर m a की पावर n माइनस वन, और निचली पावर ऊपर चली जाएगी बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, जाएगा माइनस m और ये प्लस वन बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, साइन, क्योंकि ए की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, तो ये आपके पास आ जाएगा एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस एम आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस वन से कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे। यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, ज़रा उसको हम समझ लेते हैं पहले और उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो थ्योरम हमारा ये कहता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह बाद में, थ्योरम हमारा ये है इफ़ थीटा इज़ इन रेडियंस, यानी अगर हम थीटा को रेडियन में मेजर करें, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन, ये थ्योरम हमने यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पे थ्योरम को यूज़ करते वक्त हम दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पहली चीज़ क्या होगी कि लिमिट ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे साइन का एंगल भी ज़ीरो बनाए और नीचे भी ज़ीरो बनाए, यानी लिमिट ऐसी होनी चाहिए को जो यहाँ भी ज़ीरो बनाए और यहाँ भी ज़ीरो बनाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों लिमिट तो हो गई, अब दूसरी बात जो एंगल है साइन थीटा का, जो एंगल हो साइन थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ भी थीटा,
सेम चीज़ें यहाँ भी और यहाँ भी सेम, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो तब हम इसको इक्वल टू 1 रखेंगे। फर्ज करो यहाँ पे साइन आ जाता, साइन 7x आता है ऊपर, तो नीचे भी 7x आना चाहिए, और यहाँ पे एक्स अप्रोचेज टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स अप्रोचेज टू 0 होगा तो 7 × 0 यहाँ पे 0 बन रहा होगा, यहाँ पे 0 बन रहा होगा। तो दो शर्तें यहाँ पे, पहली शर्त यह है कि यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो भी 0 बन रहा हो और नीचे भी 0 बन रहा हो, और दूसरी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हो, अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी तो फिर हम इसको 1 के इक्वल लिख लेंगे बाई यूजिंग दिस थ्योरम। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर एक्स। हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर एक्स। अब अगर हम इसको यहाँ पे अपनी शर्तें पूरी करें, तो पहली क्या है कि यहाँ पे लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे 0 बनाए, यहाँ पे 0 बनाए, लेकिन लिमिट ऐसी है कि यहाँ पे 7 × 0 0 बन रहा है और यहाँ पे 0 बन रहा है। और दूसरी क्या थी, जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे 7x है, यहाँ पे x है, इसका मतलब हम यहाँ पे x की जगह 7x लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 7/7। हमने 7/7 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि ये 1 है। अब ये जो 7 है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिमिट से बाहर निकाल देंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और ये 7x को जो हम, क्योंकि हमने लिमिट में यूज़ करना है, अपना थ्योरम यूज़ करने के लिए, तो इसको हम x के साथ लिख देंगे बच्चों। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x, ये वाला 7 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो ऊपर वाला 7 था इसको बच्चों हमने बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई यूजिंग दिस थ्योरम, इस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये तो 1 के इक्वल होगा, तो 7 × 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 7, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट जो हैं इसको, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए करने हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। हमारे पास है सेकंड पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। जो यहाँ पे एक्स डिग्री जो है, यहाँ पे हमने कहा था कि जो साइन का जो एंगल होना चाहिए था थीटा, वो तो रेडियन में होना चाहिए था, यहाँ पे तो डिग्री आ गया है, तो इसको हम पहले पहले रेडियन में चेंज करेंगे, तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, ओवर में हमारे पास एक्स। अब जो हमने ये काम कर दिया, तो उसके बाद ये एंगल है बच्चों, ये सारा इसका एंगल है, साइन का एंगल है ये, ठीक है। अब लिमिट ऐसी है कि जो यहाँ पे पुट करने से यहाँ पे 0 बन रहा हो, यहाँ पे 0 बन रहा है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे है, यहाँ क्या है, पाई एक्स ओवर 180, तो यहाँ भी पाई एक्स ओवर 180 होना चाहिए, तो हमने कहा किया पाई ओवर 180 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई की, यहाँ पे जो पाई ओवर 180 आया वो तो उसको डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आया है, लेकिन अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो वो किस लिए करेंगे बच्चों, वो ये साइन का एंगल और नीचे जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाने के लिए करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर, इससे इसको हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये क्या जगह, पाई एक्स ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर भी हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है इतनी बात। अब ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल दें,
तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180। अब पाई ओवर 180 तो रहा वैसे रहा, और ये थ्योरम को यूज़ करके ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो बच्चों हमारे पास पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। इनको हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जैसे हम ऊपर लिमिट पुट कर रहे थे वैसे इन क्वेश्चंस को क्यों नहीं कर रहे, इसलिए कि ये 0 by 0 फॉर्म बनती है। वैसे अगर देखें यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो साइन 7 into 0 साइन 0 0 हो जाता है और नीचे भी 0 0 by 0 फॉर्म, इसलिए हम इनको डायरेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम इनके ऊपर ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। थर्ड पार्ट, 1 minus cos theta ओवर साइन थीटा। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 minus cos theta ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास इसका। अब अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो ये तो 0 by 0 फॉर्म है, 1 minus cos 0 1 होता है, 1 minus 1 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है, तो ये भी तो 0 by 0 फॉर्म है। डायरेक्ट तो हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, थ्योरम यूज़ करने के लिए वो सिम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 minus cos theta ओवर साइन थीटा। तो हमने ऊपर नीचे 1 plus cos theta और नीचे भी 1 plus cos theta से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 a - b (a+b)² - cos² θ, तो 1 minus cos² θ आ जाएगा और नीचे साइन थीटा इंटू 1 plus cos θ आ जाएगा। यहाँ से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 minus cos² θ किसके इक्वल होता है, sin² θ, और नीचे बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 plus cos θ। अब ये साइन थीटा इसके स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट साइन थीटा ओवर 1 plus cos θ आ जाएगा। अब अगर हम लिमिट पुट करके देखें तो साइन 0 0 होगा, ऊपर 0 बन रहा है लेकिन नीचे 1 plus cos 0 1 1 plus 1 2, तो नीचे 2 बन रहा है, इसका मतलब 0 by 2 फॉर्म। तो ठीक है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 plus cos θ। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें साइन 0 ओवर 1 plus cos 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 0 0 होता है और 1 plus cos 0 1 आ जाएगा, 0 over 2 = 0, और ये आपका बच्चों आंसर होगा। को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। जो शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लिमिट को चेंज करेंगे और लिमिट का जो चेंज करने का जो मेथड है वो उसको ज़रा देखिएगा ध्यान से। जब लिमिट चेंज होती है तो सारा कुछ चेंज होता है, सारा वेरिएबल की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, चेंज करते हैं वेरिएबल को, तो सारा कुछ जहाँ जहाँ पे वो वेरिएबल होगा वहाँ पे चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगी। अब देखें यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, हमारे पास फोर्थ पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई
माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो साइन या एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पाई, तो साइन पाई तो ज़ीरो होता है और पाई माइनस पाई भी ज़ीरो होता है, इसका मतलब है ये तो अभी तक ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है। तो हम आपकी इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। वो क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे, देखो ये जो नीचे है ना हमारे पास पाई माइनस एक्स, इसको हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एक वेरिएबल की फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट इस ध्यान से देखिएगा इसको, हमने लेट कर लिया पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक, हम इसको वेरिएबल टी में ले जाते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जहाँ जहाँ पे एक्स, आप पूरी लिमिट में एक्स कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, ना तो लिमिट में और ना जिस पे लिमिट अप्लाई हो रही है ना उसमें। तो बच्चों यहाँ से आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगी पाई माइनस टी, क्योंकि ये एक्स इधर आ जाएगा पाई और टी इधर आ जाएगा, तो ये माइनस टी हो जाएगा, पाई माइनस टी एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की जगह हम पाई माइनस टी रख सकेंगे। और लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखें जब एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, जब एक्स पाई को, यानी एक्स जब पाई हो जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, जब एक्स पाई हो जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, जो एक्स और पाई में हमें रिलेशन दे रहा है वो कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला। जब एक्स पाई हो जाएगा तो एक्स की जगह हम पाई रखेंगे, तो पाई माइनस पाई ज़ीरो, इसका मतलब है टी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान से दोबारा सुन लें आप लोग, तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आप रखेंगे एक्स की जगह पाई रखेंगे तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस पाई ज़ीरो के इक्वल। तो सो जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, ये कन्वर्ट होके अब क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, अब लिमिट हमारे पास आ जाएगी लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन, और एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस टी, एक्स की जगह हमने पाई माइनस टी लिख दिया ओवर, और पाई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे बच्चों। अब इसको चेंज करें, अब देखें ये पाई माइनस टी है, पाई माइनस टी, तो आपको पता है साइन पाई माइनस टी, पाई माइनस थीटा जो था ये कहाँ पे था, जब हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे तो पाई माइनस थीटा, तो जो ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो ये हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो इसलिए साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है ना, पाई किसके इक्वल है, टू इंटू पाई बाई टू के, तो पाई बाई टू का इवन मल्टीपल मौजूद है और साथ में माइनस थीटा, इसका मतलब है साइन अपनी कोरेशो में चेंज नहीं होगा, लाइन ऑफ नो चेंज का एंगल है, ये मैंने बताया था आपको। तो और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन टी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और लाइन ऑफ नो चेंज का एंगल है, तो साइन टी ओवर ओवर टी, और ये हमारा थ्योरम है बच्चों कि थीटा इज इन रेडियन देन साइन एक्स साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल वन होता है, तो ये तो सेम वही थ्योरम बन गया, इसका मतलब है ये वन आ जाएगा जो कि हमारा आंसर हो। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, सिक्स्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब बच्चों यहां से देखें आप लोग इसको कि लिमिट तो ऐसी है कि यहाँ पे भी ज़ीरो बन रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो बन रहा है, लेकिन नीचे जो हमारे पास साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स होना चाहिए, बी एक्स के नीचे बी एक्स होना चाहिए, तो फिर अब क्या करें,
तो हमने क्या किया, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं पुट कर रहे? डायरेक्ट लिमिट इसलिए पुट नहीं कर रहे कि 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर हमें इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए ए एक्स साइन ए एक्स इसके नीचे हमें क्या चाहिए, हमें ए एक्स चाहिए, तो नीचे हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और बी एक्स इसके नीचे क्या चाहिए, बी एक्स यानी ऊपर, यहाँ भी हमने बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमने कहा, ये तो हमारी ज़रूरत थी, ठीक है, यानी अभी हमने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया है बी एक्स ओवर ए एक्स को, हमने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम तो खुद से तो हर चीज़ जिस जिसको चाहें वहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम जिसको भी चाहें उसको उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखें, एक्स तो एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो फ़र्क किससे पड़ा है, बी ओवर ए से। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को खुद से जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है ये वन होनी चाहिए, तब हमें कोई मसला नहीं होगा। अगर x x से कैंसिल आउट हो जाता है तो ये तो ख़त्म हो गया, वन हो गया, लेकिन b ओवर a तो वन नहीं है। इसको वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको वन बनाने के लिए, ये तो हमारी ज़रूरत थी, अब हमारी मजबूरी है कि जब b को ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों b को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि a को नीचे मल्टीप्लाई किया है तो a को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ए एक्स और बी एक्स लिख के दोबारा एक्स को कैंसिल आउट कर देते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जो कि एक्स तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगरचे हमने नहीं किया लेकिन फिर भी चूँकि हमें ज़रूरत इस चीज़ की थी। अब हम देखें, अब सारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरी चीज़ वन है, तो वन से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स एक्स से कैंसिल आउट, बी बी से और ए से कैंसिल आउट, ये वन है, और वन से किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो बच्चों हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको तो बाहर निकाल दे, तो ए ओवर बी को तो बाहर निकाल दे। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ए एक्स ओवर, इसके नीचे लिख देंगे ये वाला ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई, और नीचे हमारे पास क्या है बच्चों, वन ओवर ये वाला साइन साइन बी एक्स, और ये जो ऊपर बी एक्स है इसको नीचे लगेंगे, ऊपर अब मल्टीप्लाई करें, नीचे अगर डिवाइड करेगा तो साइन बी एक्स आ जाएगा। अब इस लिमिट को, ये लिमिट सारे पे अप्लाई हो रही है, तो इस लिमिट को बच्चों हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाई, ये सारा किसके इक्वल है, वन के इक्वल, और ये सारा किसके इक्वल है, ये भी वन के इक्वल यूजिंग द थ्योरम। इसका मतलब ये होगा कि ए ओवर बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर टेन एक्स। तो जो हम एक्स, ये जो टेन एक्स है इसको लिख लेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो ये जो एक्स है इसको नीचे ले आएंगे, साइन एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, जो नीचे कॉस एक्स होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर हमारे पास ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ओवर एक्स, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स कॉस जीरो वन हो जाएगा और नीचे भी वन आ जाएगा, तो इसका बच्चों आंसर वन आ जाएगा आपके पास। अब सेवन्थ पार्ट पर आते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। सेवेंथ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। जो आपको याद होगा कि कॉस टू एक्स किसके इक्वल हुआ करता था, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसी तरह वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल था, इसी तरह ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल था, तीनों इसी के फार्मूले हैं। तो इनमें से हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारा जो वन है ये ख़त्म हो जाए, तो आपका ये वाला फार्मूला यूज़ करने से ये वन ख़त्म होगा, वन माइनस मतलब वन
वन माइनस वन ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने ये दूसरा बड़ा फार्मूला यूज़ किया कॉस टू एक्स का। अभी डायरेक्ट लिमिट पुट क्यों नहीं की, दोबारा बता रहा हूँ और हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि फिर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको हमने लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो वन माइनस, इसकी जगह कॉस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये वन माइनस वन कैंसिल ख़त्म, और माइनस माइनस प्लस, तो बच्चे ये कि आपके पास आएगा टू साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर आ गया आपके पास। अब टू तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दें, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और ये साइन का भी स्क्वेयर है और नीचे एक्स का भी स्क्वेयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से साइन एक्स ओवर एक्स और सारे का स्क्वेयर। हमने लिमिट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था अगर हमारे पास जिस एक्सप्रेशन में लिमिट अप्लाई हो रही है उस पर उसके ऊपर कोई पावर हो तो लिमिट उस पावर के अंदर जाके अप्लाई हो सकती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स और उसका जो ऊपर स्केयर है वो लिख लें टू मल्टीप्लाइड बाई, ये सारा कुछ किसके इक्वल आ जाएगा यूजिंग द थ्योरम, ये वन के इक्वल आ जाएगा, वन का स्केयर, तो टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, जो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, जो ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर थ्री के, लेकिन यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स था, नीचे साइन था, यहाँ पे साइन स्क्वेयर है, तो आप जो वन प्लस कॉस एक्स हो, नीचे भी वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा वन प्लस कॉस एक्स, उस पर लिमिट लगाएंगे तो बच्चों वन ओवर टू इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें नाइन्थ पार्ट जो इसका है, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो जो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म तो है ही, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म तो है, तो क्या करें आप, लिमिट डायरेक्ट लिमिट तो नहीं, जो हमारे पास थ्योरम है वो भी यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो साइन थीटा ओवर थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब क्या करें बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा को दो दफ़ा लिख लिया मल्टीप्लाई करके, अब दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे तो जीरो जीरो फॉर्म नहीं बन रही अब, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ज़ीरो इंटू, और ये हमारे थ्योरम के मुताबिक बच्चों ये क्या बन जाएगा वन के, इसका मतलब साइन ज़ीरो कितना होता है ज़ीरो और ये वन आ जाएगा, तो बच्चों ये आपके पास ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो सीकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर, टेंथ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट एक्स को बच्चों हम लिख सकते हैं वन ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे वन है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे बचेगा कॉस एक्स, उसको हमने नीचे एक्स के साथ लिख लिया, तो बच्चों आपके पास आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, ठीक है याद है। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स को तोड़ के लिख लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये बच्चों ये जो एक्स था ये इसके नीचे लिख दिया, कॉस एक्स जो था वो इसके नीचे लिख दिया। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, और इस पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ये क्या है, ये टेन एक्स है। अब लिमिट अप्लाई करें आप, तो जिस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स ओवर एक्स, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस, तो हमारी सारी शर्तें पूरी हैं तो ये वन आ जाएगा, और उसके बाद टेन ज़ीरो एक्स, क्योंकि यहाँ पर जीरो पर जीरो फॉर्म नहीं बन रही, हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेन ज़ीरो, वन मल्टीप्लाइड बाई टेन ज़ीरो कितना होता है बच्चों, टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो विच इज़ द आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और क्वेश्चन नंबर टेंथ, जो क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ट्वेल्थ जो है इसको तो आपने सिंप्लीफाई करना है और ये हो जाएगा आराम से, इस टेम को लिख लेंगे हम साइन ओवर कॉस, और इसके बाद एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद अलग अलग करके इसको लिख लेंगे बच्चों। ये आपको मैं करवाता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस पी थीटा ओवर वन माइनस कॉस क्यू थीटा, हमारे पास क्वेश्चन है इलेवेंथ पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस पी थीटा ओवर वन माइनस कॉस क्यू थीटा, हमारे पास ये है। अब यहाँ पे आपको याद है मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स, अगर हम जहाँ पे बच्चों एक्स है वहाँ पे थीटा ओवर टू रखते हैं, चले हम डायरेक्ट ही बना लेते हैं फार्मूला, एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं पी थीटा ओवर टू, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे रख देते हैं पी थीटा ओवर टू, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस टू इंटू एक्स की जगह पी थीटा ओवर टू इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर पी थीटा ओवर टू, अब ये टू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस पी थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर पी थीटा ओवर टू। तो जिस तरह से आपके पास ये कॉस पी थीटा की वैल्यू आई है, इसी तरह से हम कॉस क्यू थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यानी जिस तरह से आपके पास कॉस पी थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर पी थीटा ओवर टू आया, इसी तरह हम लिख लेंगे इसको, कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर क्यू थीटा ओवर टू। तो अभी डायरेक्ट हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म है और इस फार्मूले का हमें पता होना चाहिए, तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम क्या लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे वन माइनस वन डायरेक्ट मैं अप्लाई, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप क्या करें, हमने तो चाहिए वैल्यू वन माइनस कॉस पी थीटा की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो या तो इसी की वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पर पुट कर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, या यहाँ से वन माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू निकाल लें, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कॉस पी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन प्लस टू साइंस स्क्वायर थीटा साइंस स्क्वायर पी थीटा ओवर टू, फिर वन को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये वन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी टू साइंस स्क्वायर पी थीटा ओवर टू।
अदरवाइज आप वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं, हम कुछ तो हम पुट कर देते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर टू ओवर वन माइनस टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर टू। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो टू साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर टू ओवर टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर। तो ये कैंसिल आउट कर दें आप, तो अजीब किस्म की लाइन लग गई है। फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लें, उसके बाद हम जो इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये इसका एंगल कितना है पी थीटा ओवर टू, तो पी थीटा ओवर टू बच्चों चूँकि इसका ऊपर स्केयर भी है, साइन के ऊपर स्केयर भी है, क्योंकि आपको पता है इस बात का आपको पता है कि साइन स्केयर एक्स इक्वल होता है साइन एक्स का होल स्केयर, आपको पता है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन एक्स की पावर माइनस वन के इक्वल है, तो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, क्योंकि साइन एक्स की होल सारे की पावर माइनस वन ये किसके इक्वल, ये कोसेकेंड एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स तो अलग से एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो एंगल है उसका भी स्केयर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास तो यहाँ पे है साइन स्केयर पी थीटा ओवर टू और नीचे है साइन स्केयर क्यू थीटा ओवर टू मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पी थीटा ओवर टू ऊपर जो ऊपर स्केयर भी है इसके, तो हम लिखेंगे पी स्केयर थीटा स्केयर ओवर टू का स्केयर, ठीक है। और ऊपर भी चूंकि यहाँ पे क्यू थीटा ओवर टू लेकिन साइन के ऊपर स्केयर है, तो इसी के मुताबिक असल में ये है साइन एक्स का होल स्केयर, तो हमने इसको भी स्केयर के अंदर लेके जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू स्केयर थीटा स्केयर ओवर टू का स्केयर। अब देखें जितना सेम है वो तो पहले ही कट रहे हैं, टू स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा थीटा स्केयर से, और क्यू स्केयर पी स्केयर से कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हमने चूँकि वन बनाना है यहाँ पे, पी स्केयर नीचे लिखा है तो पी स्केयर को ऊपर लिखेंगे, और क्यू स्केयर ऊपर लिखा है तो क्यू स्केयर को नीचे लिखेंगे। अब देखें ये सारा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया, वन आपके पास आंसर आ रहा है, इसका मतलब है वन से आप तो जिसको मर्जी मल्टीप्लाई कर ले। अब बच्चों ये जो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर इसको बाहर निकाल दें, ये आपके पास लिखा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम लिख लेंगे इसके नीचे और इन दोनों को एक ही पावर में कर लेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन पी थीटा ओवर टू ओवर पी थीटा ओवर टू और इस सारे का ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये देखें ये क्यू थीटा ओवर टू और ये जो क्यू थीटा ओवर टू इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा साइन क्यू थीटा ओवर टू और ये क्यू स्केयर थीटा स्केयर ओवर टू का स्केयर बच्चों इसके नीचे लेके आएंगे, तो इसको हम चूंकि इकट्ठा हमने स्केयर लिखना है तो क्यू क्यू थीटा ओवर टू ये स्केयर नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि हम स्केयर बाहर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने सारे के ऊपर स्केयर लिख दिया। अब बच्चों अगला स्टेप आपने करना है इसके इस लिमिट को एक दफ़ा अंदर लिख लेना है, सारे का स्केयर लिख देंगे, उसके बाद ये लिमिट अंदर लिख के सारे का स्केयर कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ ये वन का स्केयर ऊपर और नीचे भी वन का स्केयर, तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर विच इज़ योर आंसर। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने खुद ट्राई करना है, तो बाकी क्वेश्चन पर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।